नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस का न्यू पेज और पोस्ट एडिटर जिसका नाम है गुटेनबर्ग। वैसे गुटेनबर्ग के बारे में आप लोगों को पता होगा अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करते हैं वर्डप्रेस का, तो क्योंकि गुटेनबर्ग जो है वो पिछले साल 2017 में ही अनाउंस कर दिया गया था वर्डकैंप में। अगर आप वर्डकैंप को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा और अब तक आपको गुटेनबर्ग एडिटर के बारे में मालूम चल ही गया होगा और ये वर्डप्रेस की कोर में आ चुकी है। अगस्त में 2018 में इसे ऑफिशियल कर दिया गया है और अभी अगर हम लोग नया वर्डप्रेस डालेंगे 4.8.9 तो फिर हमें वो इंस्टॉलेशन भी दिखा रहा है और हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे गुटेनबर्ग के ऊपर में कई सारे लोगों ने वीडियो बनाई है लेकिन हिंदी में मैंने कोई अच्छी वीडियो देखी नहीं, तो मुझे लगा कि शायद आपको गुटेनबर्ग की जानकारी जरूर चाहिए होगी। तो चलिए, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन के साथ करेंगे ताकि आपको समझने में बिल्कुल कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं। आज के वीडियो में वैसे हम लोग कई बार वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं लेकिन आज के लिए फिर से एक बार कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो जाम्प कंट्रोल पैनल आपकी रनिंग हो और हम लोग जाम्प की डैशबोर्ड में हैं। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे पीएचपी माय एडमिन और हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। ओके, तो ये पीएचपी माय एडमिन खुल रहा है। आज थोड़ा सा नेट स्लो लग रहा है मुझे, फिर भी चलेगा। तो यहाँ हम जाएंगे डेटाबेस में या यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप एक नया डेटाबेस बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं डेटाबेस में और यहाँ पे एक नाम देते हैं, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ HDT नाम का एक डेटाबेस यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा। बाकी जो यूजर है वो हम लोग डिफॉल्ट यूज करेंगे। अब हम लोग वर्डप्रेस सेटअप करेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये पेज पहले से सेटअप है, नहीं, हमने एक नया वर्डप्रेस डाउनलोड किया है। हमारे चैनल पे कई बार आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सिखाया जा चुका है। अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं आता तो आप हमारे वर्डप्रेस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कई बार आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सिखा दी गई है। तो यहाँ पे हमने एक नया वर्डप्रेस डाला हुआ है और उसका जो URL है मैं आपको बता देता हूँ, वो है localhost.hdt। मैंने उसके अंदर में एक नया वर्डप्रेस डाला है। फिर हम लोग एंटर करेंगे तो हमें यही पेज दिखाई देगी। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आज का जो वीडियो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं था, फिर भी मैं आपको नया के लिए दिखा दे रहा हूँ। पता ही होगा कि ये हमारा यहाँ पे डेटाबेस नेम था। हम लोग डिफॉल्ट जो है वो रूट यूज करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड जो है वो नील रहेगा ताकि आपको कुछ नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉलेशन को रन कर देना है। और उसके बाद में आपको साइट की टाइटल यहाँ पे मांगेगी। यहाँ पे हम लोग टेस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग वैसे जो भी आप लिखना चाहे, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी डेव टूर्स मेरा जो टाइटल है साइट का वो लिख दे रहा हूँ। आप अपने साइट की टाइटल लिख सकते हैं। यूजर नेम जो है वो कभी एडमिन मत रखिएगा लेकिन मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के लिए एडमिन रख रहा हूँ। पासवर्ड जो है जितना स्ट्रॉन्ग रखना है उतना रखना चाहिए। मैं क्योंकि ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ तो 123456 वो रख ले रहा हूँ। आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ। और उसके बाद में कंफर्म करना है ये जो वीक पासवर्ड को और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये सारा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास में पहले से वर्डप्रेस इंस्टॉल होके है। लेकिन पुराने वर्डप्रेस में आपको वो फीचर्स नहीं मिलता, इसलिए हम लोग नए वर्डप्रेस पे कर रहे हैं। पुराने पे भी मिल सकता है अगर आप प्लगइन डालेंगे, बट नया करेंगे तो स्टार्टिंग से आपको मिलेगी। लॉगिन करते हैं हम लोग और यहाँ पे मुझे एंट्री करनी पड़ेगी अपना एडमिन और हम एंट्री करेंगे अपना पासवर्ड जो कि था 123456 और यहाँ पे हम लोग लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में आपको पहले ही पेज पे आपको गुटेनबर्ग का मैसेज जरूर दिखाई देना चाहिए। और यस, आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वर्जन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं 4.9.8, सॉरी मैंने गलत बोला था शायद स्टार्टिंग में कि 4.8.9 बोल दिया होगा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। एक्चुअली मैं बोलना चाहता था 4.9.8, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन, ठीक है। अगर पहले गलत बोला था उसके लिए सॉरी। तो आपको मिनिमम 4.9.8 आपको डालना पड़ेगा, तो हम लोग डाल चुके हैं। अपडेट में देखते हैं हमें क्या अपडेट दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक थीम इंस्टॉलेशन के लिए दिखा रहा है, तो हम बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग जाते हैं होम में और आपको देख रहे होंगे कि ये मैसेज एक आया है कि नया एडिटर जो है वो आ चुका है, आप उसे इंस्टॉल करें या तो आप रेडी नहीं है तो क्लासिक एडिटर पे जाएं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप कोई प्रोडक्शन वाली वेबसाइट है, मतलब जिसे आप रियल में लाइव करना चाहते हैं, तो अभी के लिए क्लासिक एडिटर पे ही जाएं,
क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट है और आप यहाँ पे इंस्टॉल गुटेनबर्ग कर देते हैं और आगे चल के आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी साइट की पूरी लुक खराब हो जाएगी। तो बेटर है अभी के लिए आप क्लासिक पे ही जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ तो टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आपको इंस्टॉल गुटेनबर्ग पे जाना है। तो हम लोग क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉलिंग होगा। ओके, ये मैसेज आपको इंस्टॉल करने के बाद तुरंत दिखाई देगा और ये लाइव में भी दिखाई देगा। हम लोग वैसे लोकल में आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं बट लाइव में सेम टू सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक जैसा ही है। अब ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद में आपको कई सारे चेंजेस दिखेगी पुराने वर्डप्रेस से, तो हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या चेंज होगा। तो जैसे ही हम लोग एक नया पोस्ट करेंगे, ये एक पोस्ट एडिटर है और एक पेज एडिटर है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एडिटर है वो चेंज हो गया है, कुछ अलग दिखाई दे रहा है। पहले जो इधर ब्लॉक आ चुका है, डॉक्यूमेंट आ चुकी है, यहाँ ऊपर में आप देख रहे हैं तो एक प्लस बटन आ चुका है। इसको क्लिक करने से क्या है कि आप पैराग्राफ, इमेज, और ये कोई पेज बिल्डर नहीं है, ये वर्डप्रेस का कोर है। क्योंकि वर्डप्रेस को टक्कर देने के लिए wix.com है और भी ऐसे बहुत सारे पेज बिल्डर आ रहे हैं, तो उसको टक्कर लेने के लिए वर्डप्रेस ने कोर में ऐसा बनाया है। अब कई लोग सोचते हैं तो क्या एलिमेंटर मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है या डीबी पेज बिल्डर है वो लोग अपने जगह पे सही है, और ये जो बनाया गया है गुटेनबर्ग ये वर्डप्रेस की कोर में बनाया गया है। अभी ये इंस्टॉलेशन सिस्टम होके आ रहा है, आगे चल के, अभी तो ये बस ऑफिशियल हुआ है, आगे चल के इसे कोर में इंक्लूड कर दिया जाएगा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी इसकी पॉजिटिव वोटिंग नहीं हुई है। और अगर कोई मुझे पूछे कि ये एडिटर और पुराना एडिटर में आपको कौन सा अच्छा लगता है तो मैं तो पुराने वाले पे ही जाना चाहूंगा क्योंकि फिलहाल ये रेडी नहीं है। फिर भी आपको मैं आज ये पूरा डिटेल्स वीडियो नहीं है, ये तो बस एक रिव्यू वीडियो है, तो आगे चल के हम लोग इसके ऊपर में आपको और भी वीडियो देंगे जहाँ पे गुटेनबर्ग का इस्तेमाल आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या हुआ है। आपने देखा होगा कि इधर जो स्टाइल थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, ऊपर में एक नया बार आ चुका है। पहला जो प्लस है वो ब्लॉक ऐड करने के लिए है, इसे अब ब्लॉक कहा जाता है। जैसे इमेज ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, ये सब पहले नहीं था। पहले क्या था, इसे हम लोग पोस्ट फॉर्मेट कहते थे और वो राइट साइड पे हुआ करता था। और अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन ब्लॉक है, गैलरी, बहुत सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो फॉर्मेटिंग भी है, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट एलिमेंट और एम्बेडेड। एम्बेड्स यहाँ पे आप जैसे YouTube वीडियो को एम्बेड करना चाहते हैं, वर्डप्रेस को, किसी को भी, तो मैंने देखा कि वर्डप्रेस कंपनी ने कई सारे चीज़ों को एम्बेड करने की कोशिश की है। वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी इन्होंने मेहनत किया होगा क्योंकि इतने सारे ऑप्शन दिया है एम्बेड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीमियो है, उसके बाद में यहाँ पे कॉलेज ह्यूमर है, हुलू है, इशू है, बहुत सारे, मिक्स क्लाउड है, रेडिट है, इतने सारे दिए हैं। मुझे लगता है कि कोई कोड एडिटर में इतना सारा होगा। और ये जो कोड एडिटर अभी आप देख रहे हैं गुटेनबर्ग, ये थोड़ा सा मैच करता है। अगर आप लिंक्डइन चलाते हैं तो लिंक्डइन से थोड़ा मैच करता है, और मीडियम, मीडियम अगर आपने कभी चलाया है तो उससे थोड़ा बहुत ये मैच करता ही करता है। ओके, तो राइट साइड में देखते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट दी गई है, फिर ब्लॉक का यहाँ पे सेटिंग दिया गया है। जो नया बनाया है वो यही है कि जब भी हम लोग कोई ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ ब्लॉक में उसका ऑप्शन मिलेगा कि जो इमेज है वो फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा। आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, यहाँ पे मैं फिक्स कर दूंगा तो ये फिक्स इमेज हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये इमेज जो है वो वहीं पे फिक्स हो गया है, और अगर मैं इसे हटा दूंगा तो ये ऊपर चल जाएगा, देखिए ऊपर नीचे जा रहा है। और बैकग्राउंड का जो ओपेसिटी है आप इसे घटा सकते हैं, देखिए, और इसे चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, बैकग्राउंड भी नहीं दिखेगा। तो ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पे नया आया है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले क्या होता था, हम लोग टेक्स्ट लिखते थे उसे स्टाइल नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं जैसा आपका मर्जी। आप ब्लॉक में जाएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वैसे टाइटल के लिए इन्होंने ब्लॉक में स्टाइल नहीं दिया हुआ है, हाँ पैराग्राफ के लिए दिया है। आप देख सकते हैं पैराग्राफ में अगर आप आएंगे, जैसे मैंने पैराग्राफ पे इसे सेलेक्ट कर लिया है, तो इसे मैं अगर बोल्ड करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे बोल्ड हो जा रहा है। अगर मैं इसकी साइज बड़ा करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ। और उसके बाद में जो भी आप बनाएंगे उसके बाद इसे मान लीजिए हम लोग देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, तो हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं इसका कैसे दिखाई देगा पेज। ये रहा वो पेज, इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। तो ये डिफॉल्ट थीम अभी लगी हुई है इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर आप फुल स्क्रीन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन दिखाई देगा। आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी चीज, आप गैलरी लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, आप देख रहे हैं वीडियो लगा सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे इमेज की एग्जाम्पल दी हुई है, नीचे अगर आप जाएंगे तो जैसे आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो भी लगा सकते हैं नीचे। ये रहा वीडियो, आपको कुछ करना नहीं है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें वीमियो वाली लगी है,
एडवांस पे ऑप्शन पे जाएंगे तो अगर सीएसएस क्लास कुछ लगाना है तो आप लगा सकते हैं। इसको एडिट करना है तो क्लिक करेंगे, ये जो यूआरएल है इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप यूट्यूब की वीडियो भी आप लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये छोटी सी रिव्यू है गुटेनबर्ग का। और जैसे अगर आपको एक नया बनाना है तो हम लोग चलिए एक नया पेज बनाते हैं, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि हम लोग, ये तो हमने डेमो देखा, ये टाइटल का डेमो देखा, इमेज का डेमो देखा, पैराग्राफ का देखा, ब्लॉग कोड का भी देखा, वीडियो का भी देखा और नीचे गैलरी का भी। आप इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा देख सकते हैं और इनके सभी की सेटिंग ब्लॉक में आएगी। जैसे मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे इमेज सेलेक्ट करूंगा ब्लॉक में आएगी, और ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो भी ये ब्लॉक सेक्शन में आएगा। इसका कॉलम आप देख रहे हैं यहाँ पे दो है, मैं इसे घटा सकता हूँ, एक हो जाएगा, और बढ़ा के दो भी कर सकता हूँ। लिंक करना है तो आप लिंक कर सकते हैं मीडिया फाइल से किसी से भी, ओके। और अपलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये गुटेनबर्ग एक पेज बिल्डर की तरह है, लेकिन बिल्कुल ये सबसे अलग है और इतना ज़्यादा अच्छा अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन आगे चल के शायद हो सकता है। तो अब हम लोग एक नया पेज बनाते हैं, ठीक है, एड न्यू करते हैं एक पेज, तो बढ़िया रहेगा। एड न्यू, आप पेज भी एडिट कर सकते हैं इससे और पोस्ट भी एडिट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया, अब हम लोग इसे एक पेज बनाएंगे, इसका टाइटल देते हैं। ये पेज का टाइटल क्या रहेगा, मान लीजिए इसका टाइटल हम लोग देते हैं होम पेज, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पे हम उसकी स्टोरी लिख सकते हैं, नीचे टाइटल लिख सकते हैं और उसकी स्टोरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें पैराग्राफ एड करनी है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये वाला क्लिक करें चाहे ये वाला क्लिक करें एक ही बात है। अब नीचे आएंगे, हमें क्या चाहिए था, पैराग्राफ, तो हम लोग पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे और मान लीजिए कि कोई भी हमें एक पैराग्राफ अगर डालनी हो, ये वाला पैराग्राफ मुझे अगर डालनी है, मान के चलते हैं ये इमेज के साथ में आ जा रहा है, तो हम लोग ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी एक, आपको सिंपली आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ जो है वो ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर चुके हैं। इसे अगर हम लोग चाहेंगे तो इस तरह से सेंटर कर सकते हैं और इटैलिक करना चाहें तो इस तरह से, मान लीजिए ये वाले जो वर्ड है इसे इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और इधर आपको ब्लॉक में भी ऑप्शन मिलेगा, साइज अगर छोटी बड़ी आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। और जो टाइटल है, जैसे हम लोग टाइटल को अगर बदलना चाहें तो हम लोग यहाँ से इनटू योर पोस्ट, ये वाला जो टाइटल है इसे कॉपी कर लेते हैं और होम के जगह पे ये हम लोग दे देते हैं, तो ये पोस्ट बन गया। और अगर आपको पेज बनानी है, ऑब्वियसली पेज है ये, तो हम लोग का आर्टिकल पेज या अबाउट पेज आप पकड़ के चलिए, हम लोग एक अबाउट पेज बना रहे हैं। इस तरह से एक अबाउट पेज बन गया और इसे हम लोग मान लीजिए पब्लिश कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ से इसे पब्लिश कर सकते हैं डबल क्लिक करके, और यहाँ से आप इसे व्यू कर सकते हैं उस पेज को। आप देखिए अबाउट पेज यहाँ पे आपको दिखा रहा है और जो हमने यहाँ पे अभी वो बनाई है। तो ये हमने पैराग्राफ ऐड करके देखा। अगर हम लोग बैक जाएंगे तो हम लोग और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ हो चुका था, अब हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन अगर मारेंगे तो आप देख सकते हैं गैलरी हम लोग ऐड कर सकते हैं, नीचे गैलरी है, यहाँ पे अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन दिखा रहा है, हम लोग इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड करते हैं। कोई एक इमेज ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए ये वाली इमेज ओपन कर लेते हैं तो आ जाएगी, और उसके ऊपर आप टाइटल देना चाहें तो टाइटल दे सकते हैं, ओके। तो उसी तरह से अगर हम लोग और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग और यहाँ से ऐड करेंगे, और पैराग्राफ, कवर इमेज, लिस्ट अगर कुछ बनाना चाहते हैं, हेडिंग, कॉमन ब्लॉक अगर कुछ बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हम लोग हेडिंग क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा वाला लेना है, तो कोई भी एक लेना है, माय टेस्ट हेडिंग, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये एक वन टाइप ऑफ पेज बिल्डर है, क्लासिक एडिटर से थोड़ा ठीक तो लग रहा है लेकिन उतना खास नहीं लग रहा है। इससे अच्छा हमारा जो पेज बिल्डर है एलिमेंटर वगैरह, व्रीजी वगैरह या फिर डीवी वगैरह, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कोर में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है और ये वर्डप्रेस के साथ है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे हम लोग अपडेट करते हैं और इसे हम लोग देखते हैं। ये बस रिव्यू वीडियो है तो हम लोग यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई अच्छा चीज़ बना नहीं रहे हैं, ठीक है। ये हो गया और उसके बाद में हम लोग अपडेटेड दिखा रहा है, इसे नेक्स्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। आप देखिए हम लोग यहाँ पे जो बनाए हैं वो सब कुछ हमें दिखा रहा है, हेडिंग भी हमें दिखा रहा है। तो बस इतना ही है कि पहले एक थीम के ऊपर में डिपेंड होता था, लेकिन पेज बिल्डर आ जाने के बाद में आप लोग अपना मर्जी से पेज बना सकते हैं। तो ये पेज बिल्डर कई सारे थीम को, जो बेकार थीम है उनको रिप्लेस कर देगा आगे चल के, ऐसा लग रहा है, लेकिन बाकी डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। मेरे हिसाब से अभी ये रेडी नहीं है, लेकिन आप लोग को लगता है कि ये रेडी है तो आप लोग इसे यूज करें। जैसे मैं आपको पुराना एडिटर दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है बट वो अच्छा लगता है। तो हम लोग प्लगइन में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन, और यहाँ पे जो गुटेनबर्ग है इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। अगर आप हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे तो आप नया पोस्ट करेंगे हम लोग, तो हमें नॉर्मल वाली
पोस्ट एडिटर मिलेगी। एड न्यू करते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा पुराना वाला है। यहाँ पे हम लोग टाइटल डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, नीचे कुछ नहीं है। राइट साइड में देखिए पब्लिश करने के लिए दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है जैसे हम बोल रहे थे, इसमें भी वीडियो इमेज वगैरह सब कुछ है, कैटेगरी दी हुई है, टैग दी हुई है, तो ये नॉर्मल है, इसे सब कोई जानते हैं पहचानते हैं। तो अभी अगर आप रेडी नहीं हैं गुटेनबर्ग के लिए तो ये क्लासिक एडिटर यूज करें, ये क्लासिक है। और अगर आप रेडी हो चुके हैं, नया सीखना चाहते हैं तो गुटेनबर्ग यूज करें। ये छोटा सा रिव्यू वीडियो था, वैसे बहुत लंबा ही था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। मैं आखिरी बार के लिए आपको बता देता हूँ कि गुटेनबर्ग में पेज बिल्डर का जैसा ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो फिलहाल रेडी नहीं है, तो टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन साइट में मेरे हिसाब से इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अभी अगर आप किसी क्लाइंट को या अपने लिए भी बनाते हैं, तो जो लोग क्लासिक एडिटर में पहले से उनका हाथ सेट है, उनको नया चीज सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जब तक वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो जाता है तब तक इसे क्लाइंट को देना तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आदमी जो चाहे वो कर सकता है, अपना मंची का मालिक है, तो वो आपकी मर्जी है आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी तरह के और भी वर्डप्रेस रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड और आप देख रहे हैं हिंदी रेटर्स। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।